जय पीरां दी दोस्तों, अज दी वीडियो विच आपां तुहानूं बहुत ही कम दी गल दसांगे। सो हथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो। सतसंगत जी, जिंदगी दे विच सानूं किहनूं राजी करना चाहीदा है, रब नूं जां अपने यार नूं अपने गुरु नूं? सतसंगत जी, जेकर आपां रब नूं राजी करना चाहुंदे आ, रब नूं मनाउणा चाहुंदे आ, तां सब तों पहलां सानूं साडे गुरु नूं राजी करना पवेगा, साडे पीर नूं राजी करना पवेगा। जे साडा गुरु साडे नाल राजी हो गया तां रब अपने आप ही राजी हो जाना है, क्योंकि पूरन गुरु दे विच इन्नी ताकत हुंदी आ कि उह सानूं खुदा दी कचहरी दे विच लिजा सकदा है ते प्रवान भी करा सकदा है। गुरु दे विच बहुत ताकत हुंदी है। गुरु ही रब है ते रब ही गुरु है। पूरन गुरु दे विच परमात्मा की जोत हुंदी है ते जदों ओ जोत साडी जिंदगी विच आउंदी है तां साडी जिंदगी दे विच चारे पासे ही चानण हो जांदा है। सतसंगत जी, जिन्हां दे गुरु रुस जांदे हन उन्हां दा जींदे जी ही मरन हो जांदा है। फिर ओ जिथे मर्जी मत्थे टेकन, जिथे मर्जी नक कसाउण, जिथे मर्जी सेवा करन, जिथों मर्जी ओ पुछ के आण, उन्हां दा बेड़ा कदे पार नहीं हो सकदा। जिन्हां दे गुरु रुस जांदे हन, जिन्हां दे यार रुस जांदे हन। सो रब नूं मनाउण तों पहलां सानूं साडे यार नूं राजी करना पवेगा। जिस दिन साडा यार साडे नाल राजी हो गया तां समझ लओ पूरी कायनात साडे नाल राजी हो गई आ। दुनिया दी कोई भी ताकत साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। दुनिया चाहे इधर दी उधर हो जावे, साडे वालू तत्ती आवाज़ देख भी नहीं सकदी। जिन्हां दे गुरु डाढे हुंदे हन उन्हां वल कोई अख चक के भी नहीं देख सकता। रब ना करे जेकर साडा गुरु साडे नाल गुस्से हो जावे तां कई बारी जिवें बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने पैरां दे विच गुरु पा के मनाया सी, सानू मनाउणा पै जांदा है। जिन्हां दी जिंदगी दे विच पहलां तों ही गुरु है, सानू हमेशा ही अपने गुरु की इज्जत करनी चाहीदी है। उच्ची थां ते यार नूं बिठा के आप नीवी जगह ते बहना चाहीदा है। गुरु की रजा विच रहना चाहीदा है, गुरु नूं राजी रखना चाहीदा है, क्योंकि जे यार साडा गुरु गुस्से हो गया ते फिर सानू किते भी ढोई नहीं मिल सकदी आ, फिर सानू किते भी किनारा नहीं मिल सकदा। सो जिन्हां दे जिंदगी विच गुरु हन उह बड़े ही भागां वाले हन, बड़ी ही किस्मत वाले हन। जिन्हां दे कोल गुरु है ते उन्हां नूं अपने गुरु की इज्जत करनी चाहीदी है, उहदी रजा विच रहना चाहीदा है, फिर आपां पार हो सकदे हां। जिन्हां दी जिंदगी दे विच गुरु नहीं है उह अपनी जिंदगी दे विच इक कामल गुरु जरूर बनाउण, तां जो आपां भी पार हो सकीए, उस परमात्मा दी कचहरी विच प्रवान हो सकीए। रब नूं मनाउणा बहुत ही सौखा हुंदा है। जे आपां दो नफलां पढ़ीए तां रब मन जांदा है, पर अपने यार नूं मनाउणा मुश्किल हो जांदा है। किन्नियां कहानियां तुसीं सुणियां होवेगियां कि जिन्हां दे गुरु रुस्से हन ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ राजी करना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। जिस दिन साडा मुरछा साडे नाल राजी हो गया तां समझ लओ साडे बारे न्यारे हो गए हन। जे साडा मुरछा साडे नाल राजी हो गया तां रब अपने आप ही राजी हो जाना है ते दुनिया दियां सारियां नेमतां साडी झोली विच पै जाणियां हन। सो असीं परमात्मा अगे इही अरदास करदे हां कि सारे गुरु वाले बन, सारे नूं गुरु अपनी जिंदगी विच जरूर मिले तां जो असी भी इस भाव सागर तो पार हो सकीए। सो जयकारा अपने अपने गुरु पीर दा, बोल सच्चे दरबार की जय।